dang 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 खुद से जीतने की जिद है मुझे, मुझे खुद को हराना है। खुद से जीतने की जिद है मुझे, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं इस दुनिया की, मेरे अंदर तो एक पूरा जमाना है। आए आए आए, इसीलिए तो कहते हैं इस बार के विधानसभा में केवल मधुबाला को जिताना है। क्या समझे? आप देख रहे हैं मधुबाला टू लाला। अब विधानसभा भी जो है अपना एकदम यंग है, एकदम चकाचक। तो मधुबाला कहती है कि इसमें जो है वो लोग आए जिन लोग नई विचारधारा के हों, जो एकदम नए दौड़ के साथ एकदम दौड़ते हों, चलते हो, उनके पास कुछ नया हो, तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन मधुबाला को तो जानना है ना कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए, मधुबाला तो आ गई है लोगों से बात करने के लिए, और मधुबाला को तो जानना है कि जैसे चकाचक बना हुआ है विधानसभा, वैसा ही का उम्मीदवार भी होना चाहिए। अच्छा, आज मधुबाला निकली है जानने के लिए कि विधानसभा जो अपना बना है वो इतना सुंदर है, चकाचक है, तो विधायक भी वैसा चकाचक दिमाग वाला भी तो आना चाहिए ना। एकदम आना चाहिए, उससे हम लोग भी सहमत। ऐसे अनपढ़ गंवार को दे देता है, कोई फायदा है नहीं। थोड़ा अभी कौन अनपढ़ गंवार जो आपके एकदम आपके सामने दिखा और आप बताए? नहीं नहीं, अभी जो विधायक मंत्री जो लोग है उतने तो एजुकेशन है नहीं, खाली पद मिल जाने से काम नहीं ना होता है। उस चीज को समझना चाहिए जमीनी स्तर से, तब होता है। यहाँ तो एक बात भैया जी, आप तो मानेंगे कि पढ़े लिखने से भी ज्यादा जरूरी है कि जो आत्मा का जुड़ाव लोगों के साथ हो, तभी वो विधायक काम करेगा। वही चीज तो हम आपको बोल रहे हैं कि जमीनी स्तर से उसको होना चाहिए। अब गाड़ी में घूम के वहाँ बैठे चले आए, फायदा क्या उस चीज को? लोगों को हटा दिया रास्ते से कि भाई तुम अपना काम बंद करो, हम जा रहे हैं। आप VIP पार हो रहा, हम खड़े हैं। मान लीजिए पेशेंट भी अगर जा रहा है तो आप खड़े हैं, तो नुकसान हम लोग के लिए ना। आप चाहेंगे कि इस बार विधानसभा में ये चेंज हो? हाँ, एकदम होना चाहिए इस चेंज को, उसमें हम सब अल्लाह के तरफ से बोल दीजिए। हाँ, आपके तरफ से हम बोल रहे हैं ये चेंज होना चाहिए। हाँ। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग को देखिए, आजकल विधायक ऐसा दीजिए जो हर जगह गरीबी और अमीरों को देखा जाए। अभी देखिए रोड में हम लोग को विधायक कहाँ देखने वाला है, अमीर की गरीब? आप तो कंफ्यूज कर गए हम। क्या देखना चाहिए, गरीबी गरीब नहीं, इसमें गरीबी को भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह। अभी देखिए रोड में हम लोग को चलना आफत हो गया है, काटना चाहिए 500 चलान काट रहा है 5500। तो अभी 3 महीने का राहत भी तो दे दिया है। दिया है, दिया है, लेकिन उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। पुलिस तो अपना दाव पेश करवे करेगा, पुलिस को दाव चाहिए कि कहाँ पर ही मेरा आ रहा है विदाउट हेलमेट, देख रहा है अभी तो भी पकड़ रहा है, तो 3 महीना का दिया है तो कहाँ का छूट है मैडम? अरे कहाँ का छूट है, आप कुछ बोल रहे थे भैया? नहीं, बोल रहे हैं कि 3 महीना का ठीक है दिया है, उससे हम सहमत है, मगर जो लेडीज लेके निकल रहे हैं ठीक है, बाय द वे हम घर में छोड़ दिए तो आके पकड़ लेता है चलान काटो, ये तो नियम नहीं। आप समझा दीजिए कि ठीक है अबर से निकलो तो फिर हेलमेट लेके निकलो, ये चीज पुलिस नहीं कर रहा, इससे हम लोग पूरा जनता नाराज है, पूरा जनता नाराज है। आप बताइए जी, आप कितने नाराज हैं, कितने खुश हैं, कौन सा विधायक आप चाहते हैं कि क्या करे क्या नहीं करे? विधायक तो मैडम जनहित में होना चाहिए, जो जनहित में काम करता उसका नाम विधायक है। और रघुवर जी ठीक है? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, वो ठीक कर रहे हैं, है ना। बाकी विधायक और सांसद लोग क्या चाहेंगे, रघुवर जी रह जाए? हाँ जी, हम चाहते हैं कि रघुवर जी रह जाए। देखे कितना आफत करे हुए हैं आप लोगों पे, उसमें क्या बोलिए? तो अब हम लोग सांसद विधायक तक ही जा सकते हैं मैडम, मतलब मुख्यमंत्री तक तो नहीं जा सकते हैं, अपना समस्या को रखने विधायक तक ही जा सकते हैं या सांसद तक, लेकिन वो भी नहीं होता है। बहुत हम लोग समस्या को रखे लेकिन उसका निदान नहीं हुआ। अभी कोई ऐसा समस्या जो आपको दिखता है कि हाँ आवाज पहुंचनी चाहिए, काहे कि मधुबाला इसीलिए निकलती है कि सबसे पूछ ले कि समस्या क्या है और वहां पहुंचा दे?
कुछ नहीं, जैसे कि अभी कोई कोई गंदगी जो रोड पे दिखता है तो लगता है वो साफ पूरा होना चाहिए। जब हमारे बीजेपी से मोदी सरकार इस चीज़ के लिए उठे हैं तो वो एटलीस्ट रांची में पूरा क्लियर होना चाहिए, गंदगी क्लियर होना चाहिए। जो सफाई अभियान है आप उसके सपोर्ट में? हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसा कि देख रहे हैं अभी ट्रैफिक का भी बहुत सारा रूल्स चेंज हुआ है, उसको अच्छे से फॉलो करें, उसको स्ट्रिक्ट फॉलो उसका होना चाहिए। और वही सफाई, जैसे अभी हम लोग क्लीन झाड़ इंडिया कर रहे हैं तो वो अच्छे से हो। ठीक, लेकिन हम कहते हैं कि ये जो ट्रैफिक में रूल्स हुआ है, लोग तो है बहुत रो रहे हैं कि ऐसा हेलमेट का ऐसा कर दिया, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर निकलना है। भाई सब कुछ तो घर में छोड़ के निकलते थे, बीबी को भी गलती से छोड़ देते थे, अब सब निकल के लेना पड़ता है, बीबी को भी हेलमेट लगाना पड़ता है। ये नियम से त्रस्त हैं भैया लोग। ये तो हमारे लिए ही है, हमारे सेफ्टी के लिए ही है, तो ये तो अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, इसके तो हम लोग समर्थन में है, ये होना चाहिए हमारी सेफ्टी के लिए। देखिए इन लोगों ने तो बहुत अच्छी बात कही है कि भाई जो है सुरक्षा जो है वो अपने लिए ही तो है। चलिए आपकी बात पहुंच गई। नया विधानसभा और नई सोच, मधुबाला कहती है कि नया विधानसभा के साथ साथ नई सोच वाले विधायक आना चाहिए। हम बीच में आ गए, थोड़ा हम भी डिस्कशन कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि नया विधानसभा जो है बना है तो नई विचारधारा और नई सोच वाले लोग आए, क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से नई सोच वाले लोग को आना चाहिए, जो जन समस्याओं को समझे उनको आना चाहिए, जन समस्या को समझे वो आने चाहिए। आप थोड़ा हमारे हाइट में आइएगा तो बात कर पाएंगे ना, एकदम खंभे जैसे हो गए थे। हाँ बोलिए कि नई विचारधारा के लोग आए, झारखंड के लिए सोचे, नए विचारधारा के लोग आना चाहिए। आपके कुर्ते पे आपके डायलॉग्स जाएंगे, अच्छा लगेगा। बोलिए आप अपनी मन की बात कहिए। ऐसे भी जो है कि जनता बहुत परेशान है, जो अभी वर्तमान का सरकार जो है वो हर तरह से लोगों को परेशान कर रहा, यहाँ तक कि शिक्षक को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए अभी का वर्तमान स्थिति ये बता रही है कि सरकार बदलनी चाहिए और नए और अच्छा सरकार आना चाहिए। चलिए आप तो सरकार बदलने की बात कह दी है, हम कहते हैं नई विचारधारा में आपको क्या लगता है कि नई नई विचारधारा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? वो जवाब हम दे देते हैं मैडम, बढ़िया से। सबसे बड़ी बात है मैडम कि समाज में नैतिक पतन हो रहा है और लोगों का विचारधारा मर रहा है, और जो आप कह रहे हैं कि नई विचारधारा, तो राजनीति में जो लोग आए हुए हैं, कोई लफंगा है, कोई लपुआ है, कोई क्रिमिनल है, कोई माफिया है, कोई दलाल है, ऐसे लोगों को तो जनता जहां हड़िया दड़ुआ और रुपयों में बिकती है, तो ऐसे नए लोग आने का तो उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि रघुवर दास सरकार हो, चाहे हेमंत जी हो, चाहे कोई भी सरकार था या नरेंद्र मोदी, हम तमाम जनता एक रुपया उनको दान चंदा देते नहीं है, और ये लोग खर्चा जो करते हैं कहाँ से करते हैं, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। तो भ्रष्टाचार जो है कणकण में समा गया है, और अगर आपका ये प्रश्न है कि नए लोग आए, नए विचारधारा है, तो ये जनता को पहल करना होगा कि ऐसे नेताओं और ऐसे पैसे जो बांटने वाले हैं, हड़िया दड़ुआ बांटने वाले हैं, उन पर नियंत्रण करें और अपने विवेक पर और सही प्रत्याशी को देख के वो मतदान करें, तो अच्छे लोग, नए लोग नई विधानसभा में पहुंच सकते हैं। वाह वाह वाह, देखिए इन्होंने तो बहुत सारी बातें जो है अपनी बातों में ही लपेट के बोल दी है, तो अंदर अंदर है सब लोगों तक पहुंच गया बात। आप कहेंगे क्या? जी मेरे भी राय है कि आज झारखंड जो है वो शिक्षा और स्वास्थ्य के लाइन में बहुत पिछड़ा है, और आज की जो सरकार है उनका जो रवैया है कि आज सारे पारा शिक्षक को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 2022 के बाद उनको वो अस्थायी रूप से थे उनको हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी आप देखिए कि जो गैर सरकारी स्कूल चल रहे हैं उनके साथ भी कुछ ऐसे मापदंड लेकर आए हैं, जो मैं समझता हूँ कि 80% ऐसे स्कूल्स हैं जिनमें इन माप को पूरा नहीं करने की वजह से उन्हें स्कूल बंद कर देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड शिक्षा के लाइन में और आगे बढ़ेंगे? भले सर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा जी कौशल विकास में, कि बच्चे ट्रेंड हो, गांव घर के लोग ट्रेंड हो, इसके लिए एनजीओ के माध्यम से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के नाम से भारत सरकार जो है अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा।
आज जो लोग अपने ईंट जोड़ करके एक एक ईंटा जोड़ करके एक स्कूल खड़ा किए हैं, जो सरकार एक रुपया अनुदान नहीं दिया। अब सवाल उठता है कि मध्यान्ह भोजन, साइकिल और किताब कॉपी, सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई तो ये लोग कर नहीं रहे। ये तो सरकारी शिक्षक तो देशद्रोह है, और हम लोग समाज सेवा की भावना से या रोजी रोजगार की भावना से हम लोग खड़ा किए, तो हमारे स्कूलों को बंद करने का सरकार का षड्यंत्र चल रहा है। हाँ। यानी आप लोग, हम ये कह सकते हैं कि आप लोग जो है नई विचारधारा को सामने ले आने के लिए तत्पर है। तो शिक्षाविद जितने लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग आए, और हम लोग संस्कार देते हैं बच्चों को कि आने वाला कल में अच्छे लोग शासन में आएंगे, और ये जो बुरे लोग हैं ये लोग हटे, जो दलाल हैं, माफिया, भ्रष्टाचारी हैं, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे। चलिए, हम तो यही कहेंगे कि जैसे सब लोग कहते हैं, काहे कि मधुबाला जो है सबका विचारधारा लेती है, विधानसभा चुनाव में तो अभी टाइम है, लेकिन लोग जो है ना वो अभी से अनुमान लगाए पड़े हैं। अभी एक काम करते हैं, मधुबाला झट से एक ब्रेक ले लेती है और ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर हो जाती है। चाहे कोई और चुनाव आ जाए, मधुबाला तो कहती है जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको जानकारी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम जहाँ देखते हैं कि हमारे बड़े दिख रहे हैं हम तो वहीं लपक पड़ते हैं। तो हम कह रहे हैं कि विधानसभा एकदम यंग है, तो अभी विधानसभा में नई विचारधारा के लोग आने चाहिए, नई सोच के लोग आने चाहिए, क्या कहते हैं आप? चाहिए, आना चाहिए, जो विधानसभा के लायक जो हो उनको आना चाहिए। हम तो विधानसभा नहीं पहुंच पाएंगे ना, लेकिन उस लायक जो है वहाँ बैठ के निर्णय करने वाला व्यक्ति को आना चाहिए, अब जो भी हो, है ना। और इससे ज्यादा तो हमारे आगे क्या बोलेंगे? क्या आप देखिए, बहुत समय से आप जो है आप यहाँ रहते हैं, निवासी हैं, आप जानते हैं कि क्या हुआ है इतने सालों में और क्या होना चाहिए था। तो अभी कहा है कि विधानसभा चुनाव पास में है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं मधुबाला में? वो एक निर्धारित समय चुनाव का है, है ना, लेकिन सरकार जो चलती है ये पंचायती राज में 5 साल की सरकार आते हैं, 5 साल के लिए राजा बनते हैं या न्यायाधीश बनते हैं या चाहे जो भी उनको हम समाज के सर्वे सर्वा बनते हैं। करते हैं। आप कहिए, आप क्या सोचते हैं, आप के मन में क्या है? विधानसभा यंग है एकदम, तो यंग विचारधारा के लोग जो हैं वो आने चाहिए कि मधुबाला को जाना चाहिए? बोलिए, नए विचारधारा के लोग चाहिए ना? चाहिए तो नया विचारधारा के चाहिए, आदमी वही हो जो सबको ख्याल रखे, छोटा से बड़ा, गरीब से अमीर, सब जिस तरह के आदमी है वैसा व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर है तो अमीरे के पास रहिए, गरीब को छोड़ दीजिए, नहीं, समाज में सबको देखना है, समाज में किस तरह के आदमी है, कौन गरीब है, कौन अमीर है। एक खाने बिना मर रहा है, एक माँ रात सूद पर पैसे लगा रहा है, हैं? ये जो बीच में डिफरेंस है उसको जो है पाटने का काम जो है वो विधायक करे भाई। वही बतवा को तो मैं कहता हूँ, इसको तो हम इंटेलिजेंट है कि नहीं चाचा जी, देखिए समझ गए। मैं विधानसभा लड़ चुका हूँ। अरे देखिए, मधुबाला जब भी आती है तब तो एक बम में फोड़ देती है, ये देखिए, बोलिए। विधानसभा लड़ चुका हूँ 1910 में। आपका शुभ नाम? मेरा नाम एमएल आजाद है। अच्छा। मैं निबंधक था सचिवालय में। अच्छा। रिटायरमेंट के बाद विधानसभा लड़ा मसौढ़ी क्षेत्र से। अच्छा। फिर अभी अभी उस समय जो आप विधानसभा लड़े थे और आज का ये समय है, बहुत बदलाव, बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत बदलाव हो गया। बात भला ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जमाना, ये तो हर जगह हो गया है, इसीलिए शायद पहले ही जो है तुकबंदी बनकर निकल गया। इंसान की नजर नहीं आता है, इंसान का जमाना नहीं रह गया, रुपया का पैसा है तो सब है। आप अभी क्या बदलाव चाहते हैं? लगता है कि ऐसा बदलाव होना चाहिए, काहे कि आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, आप बता सकते हैं? होना चाहिए समाज में,
जो गरीब है गरीब को देखो, नहीं कि खाली पैसा है तो पैसे वाला को देखो, नहीं, और पैसा है तो देखे ना कितना जेल में पड़ा हुआ है ना जी? पैसा है तो भी जेल में पड़ा हुआ है, ज्यादा वही है, ज्यादा वही है जेल में पैसे वाला। अपनी विधायक कैसी हो? अरे मधुबाला जैसी हो, हम तो यही कहते हैं। लोकसभा में तो हमको टिकट नहीं मिला, हम नहीं आए। मधुबाला सवाल करने निकली है कि अभी विधानसभा एकदम यंग है, एकदम नई का बिल्डिंग है, तो उसमें जो है विधायक सब नई विचारधारा के लोग आने चाहिए, कैसे लोग आने चाहिए? अच्छा लोग आना चाहिए, नई विचारधारा का आएगा तो अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि नई विचारधारा के लोग आने चाहिए? अभी तक जो भी काम चल रहा है विधायक लोग, आप संतुष्ट हैं? सबसे नई पीढ़ी वाला लोग ही आना चाहिए, पुराना पुराना बूढ़ा लोग को हटाइए देना चाहिए। काम जो हो रहा है संतोषजनक तो हो रहा है बीजेपी के शासन काल में। अच्छा। आप क्या चाहते हैं? रघुवर जी अच्छा काम कर रहे हैं, रहना चाहिए, काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो भी रहा है, थोड़ा समय लगेगा और अच्छा काम होगा। नया विधानसभा मिल गया, नया हाईकोर्ट मिल गया, इन्हीं का शासन में मिला है, और तो कहीं मिला नहीं था। फिर देवघर में एम्स मिल गया, बहुत बड़ा बात हुआ है। काम तो हो रहा है, समय लगेगा अभी थोड़ा सा और अच्छा काम होगा। लेकिन एक बात बताइए, आपके एज के जो लोग हैं वो विधानसभा में जो है बैठे हुए हैं विधायक लोग, उनका रिटायरमेंट आईबे नहीं करता है। हम कह रहे हैं कि इस बार जो विधानसभा चुनाव है तो नई का विचारधारा के विधायक होने चाहिए कि नहीं? होना तो चाहिए, होना चाहिए। और कुछ जो आप चाहते हैं कि बदलाव आया है या बदलाव होना चाहिए? बदलाव में क्या बोले हम, आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो झारखंड में अभी तक की जो परिस्थिति है उससे आप संतुष्ट हैं कि नए विधायक को चांस मिलना चाहिए, वो नया तरीका से सोचेगा? पहले से तो जो झारखंड में अति हुआ है उसमें से तो संतुष्ट हैं, लेकिन नए विधायक का तो और कुछ ये होता है, तो इसलिए होना भी चाहिए। नया विधायक चुनाव लड़ेगा या जीतेगा तो नया ढंग से, नया अपना बुद्धि से काम करेगा। पुराने पद्धति दिन प्रतिदिन बदलते जाता है, नए पद्धति आते रहता है, इसीलिए नया पद्धति का अपनाना भी चाहिए आदमी को। सबसे बड़ा बात है काम करने वाले सब आए, काम करने वाले आए पब्लिक के लिए, बस यही बड़ा बात है, काम करने वाले लोग आए। ये तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, हम भी तो वही कह रहे हैं कि नई विचारधारा के लोग आए और नया जो है विचारधारा से नई का काम करे, अच्छा काम करे। अब मधुबाला दूसरे लोगों से भी तो पूछेगी, भैया जी मधुबाला आज निकली है ये पता करने के लिए कि विधानसभा जो है अभी एकदम बिल्कुल यंग है, जवान है, तो इसमें जो है विधायक जो है नई विचारधारा के विधायक आने चाहिए कि ऐसा आपके तरह हीमैन वाला आना चाहिए कि हमारी तरह सुंदर सुंदर वहाँ आना चाहिए, कौन आना चाहिए? वो ऐसा आना चाहिए जो काम करे, चाहे वो बूढ़ा मिलकर बूढ़ा आके काम करे तो बढ़िया है। सुंदरता से मतलब नहीं है, सुंदरता कोई काम का नहीं, सुंदरता में अगर लार टपके तो सुंदरता कोई काम का नहीं। हाँ सुंदरता अगर काम का हो, बदसूरत हो काम करे तो वही सुंदर है। कहीं हमारा पत्ता तो नहीं काट दिया ना? अरे हमारे पास बुद्धि भी है, हम बहुत बुद्धिमान भी हैं। काहे का आपका नंबर काटेंगे हम, आप काम कीजिएगा तो आप सुंदर है, अगर आप काम नहीं कीजिएगा कुत्ता का शक्ल का आदमी काम करेगा तो वो सुंदर है। आप बताइए जी। मेरे तरह से तो युवा होना चाहिए, जो भी बने युवा बने, युवा बने। काहे जो बुजुर्ग लोग वहाँ बैठ के घिस रहे इतने साल से बेचारे, उनका उनका पत्ता देखिए, ये पत्ता काट रहे हैं आप। सही बुजुर्ग लोग तो हिलने लगे हैं, युवा ही काम तो लेते हैं। आपको लगता है युवा आना चाहिए? यस युवा आना चाहिए, नेता चाहिए, काम का चाहिए, चाहे सुंदरता से मतलब नहीं, हम लोग क्या काम होना चाहिए वही में सुंदरता हम लोग का है, ढंग से काम करे इसी में हम लोग के सब क्या थी। रघुवर जी ठीक है कि नहीं? रघुवर जी तो हम लोग लाके एकदम अभी के डेट में जो जो वादा किए वादा खिलाफी आज तक सब देखे। अच्छा। कोई काम नहीं हुआ, वादा जितना वादा किए आज तक हम को नहीं ऐसा सब। कौन सा वादा जो आपको लगता है कि होना चाहिए था, ये वादा पूरा होना चाहिए था, आप बताइए। मधुबाला इसीलिए सुनने आई, छोड़ दीजिए सब का आप कहें, अब तो वादा तो गिनाइए दो तीन ठो बोलिए तो बात खत्म कीजिए। वादा में ही टिक गए हैं, बात खत्म कीजिए, आप खड़े हैं तो बताना पड़ेगा। बताइए ये विधानसभा चुनाव में विधायक जो हो कैसा हो? विधायक जो जनता को देखभाल करे, जनता को भलाई करे,
वही अच्छा विधायक चाहिए। कैसा देखभाल और कैसा भलाई आप चाहते हैं? जो गांव-गांव जाके हित करे, जिसका दुख है दुखिया को दूर करे, वही विधायक सबसे अच्छा बेटर होता है। ऐसा नहीं वोट के टाइम जाता है, इलेक्शन जब आता है तब जाता है गांव-गांव हर घर घर में, और जब वोट इलेक्शन जब बीत जाता है उसके बाद एक बार भी विधायक या मंत्री देखने नहीं जाते कि क्या दुख मुसीबत है हर गाँव में, हर घर में। उन लोग काम करने लगते हैं ना, कहे कि इलेक्ट होके आ जाते हैं तो फिर काम कैसे करेंगे, अगर फिर से आपके दरवाजे जाएंगे तो आप ही के लिए काम करने लग गए होंगे उन लोग, ऐसा भी तो हो सकता है। काम में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अपने कुर्सी में मजे ले रहे हैं, और दुखिया जो घर घर में वो दुख दुख झेल रहे हैं, हर गरीब की जो दुख है वो झेल रहे हैं। और आप उन दुखियों में से एक हैं का? आज इतने बेरोजगार हैं, उन लोग को कोई नौकरी चौकरी कुछ नहीं मिला है, नौकरी मिले बेरोजगार मिले तो ये हमारे देश तरक्की होगी? आज तरक्की हमारे इतने झारखंड में जो बेरोजगार हैं आज फिर चल रहे हैं, जो बाहर काम करने जा रहे हैं इस झारखंड छोड़ छोड़ के, उन लोग को झारखंड में काम मिले, बड़े बड़े फैक्ट्री खुले, कारखाना खुले और काम मिले, कि जो हमारे भाई बंधु है जो बाहर नहीं जाए, माता पिता जो बहन वो बाहर नहीं जाए, कारखाना खुले और फैक्ट्री खुले, यही नहीं हो और काम जो है वो काम हो। अब देखिए मधुबाला बार बार यही कहती है कि झारखंड को सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो चाचा जी लोग जानते हैं। हाँ देखिए पुराना बोल दिया आप, अब नया जो है विधानसभा मिला है, नया बिल्डिंग मिला है, अच्छा एक काम करते हैं हम बैठ ही जाते हैं, तो विधायक जो है वो नया विचारधारा वाला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? राजहित में होना चाहिए, राज का जो बात करे विकास का बात करे वैसा होना चाहिए। अभी तक जितने लोगों ने मतलब अभी तक जो भी हुआ है वो सही है, आप संतुष्ट हैं कि आपको लगता है कि ये बदलना चाहिए? कुछ लोग तो सही हैं, कुछ लोग नहीं हैं। बहुत डिप्लोमेटिक आंसर कर दिए हैं, अब सही और गलत चुनना बहुत मुश्किल है कि नहीं? आप बताइए चाचा जी कि ये जो विधायक है इस बार विधायक कैसा होना चाहिए, लोगों का बात सुने, कौन होना चाहिए? अब तो जो है जो नया विधायक हो वो समाज की बात करे वो विधायक होना चाहिए, जो अपने स्वार्थ की बात करे उसको तो लोग नहीं चुनेगा, नहीं चुने। मतलब इस बार जो है सब जो है सब आग के सामने है कि इसको नहीं करना है उसको नहीं करना है, जो जिसके लिए करना है वो आए, सही लोग आए क्या? जी हाँ सही लोग आए, बस आप भी मेरा ही डायलॉग कॉपी कर लिए, आप खुद से काहे नहीं आप सही बोल रहे हैं इसीलिए सही है ना बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, हम उल्टा बोलेंगे, उल्टा बोलिएगा तो हम सही बोलेंगे। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, काहे कि आप झारखंड को देख रहे हैं, देश हित राजहित में काम हो तो ऐसा विधायक होना चाहिए जो आप कहना चाहते हैं? जी हाँ वही होना चाहिए अभी कि जो राजहित में हो और देश हित में हो, अपना स्वार्थ नहीं रखे दूसरे का स्वार्थ में रहे वो। देखिए एक्स्ट्रा डायलॉग खुद से बोले हैं, देखिए हम नहीं बुलवाए हैं, कोई हम पे दोष नहीं लगा सकता है कि हम बुलवा दिए, आप अपना चरण उतारिएगा तो हम बीच में बैठ जाएंगे दोनों से बात हो जाएगा। वाह वाह शाम का वक्त हो और सबसे सबसे अरे हम नहीं हटते ना, हमारा भी तो जगह चाहिए। हाँ आप बताइए, अब हमको कुछ समझ में नहीं आता, हम उतना वोटवा नहीं देते हैं, नहीं देते हैं तो कांडे कर दिए। आप बताइए क्या क्या बोला, किस बारे में? नाम नहीं है, इस बार तो आया है ना, कितना तो रेडियो में बोल रहा है कि कराएंगे ना, माने अभी कराएंगे नाम अभी जोड़वाएंगे। देखिए जवान विधानसभा मिला है तो जवान जो है वो वोट देने वाला भी मिला है इस बार, देखिए सही हो रहा है झारखंड। बोलिए क्या पूछ रहे हैं आप? अरे आप चले गए थे आप आ गए, अरे धन्यवाद। आप हमको ये बताइए कि जो विधायक है वो विधायक इस बार कैसा होना चाहिए, विचारधारा उसका कैसा होना चाहिए, जो आपको लगता है वो जरूर बताइए, कहे कि मधुबाला को सब देखता है। ओ मेरे विचार से विधायक ऐसा होना चाहिए सिर्फ विकास का नहीं, हम लोग को जैसा मिडिल क्लास का है उसको भी थोड़ा देखे, जितना प्रोजेक्ट सही बात बोले हैं इस दर्द में तो हम भी हैं, आप बोलिए। तो मिडिल क्लास में बहुत सफर हो रहा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हो रहा है विकास उसमें मिडिल क्लास का कहीं कम नजर नहीं आ रहा, तो बोलिए। ये एकदम आप खूंटा गाड़ दिए हैं आज, आप लोगों के नेता हैं, अरे खूंटा गाड़ दिए, ये बात तो सही है कि देखिए मधुबाला देखने वाले सब जान लीजिए मिडिल क्लास जो है ना
उसकी बात कोई नहीं करता है, कोई और नहीं करता है, बीच में जो है हम ही लोग पिसाते जाते हैं। अच्छा आप भी हैं, वाह बोलिए। हमारा एक नाम है मैडम कि जो भी विधायक जो चुने जाएं वे समरसता रखें समाज में, निम्न स्तर के जो लोग हैं उनको भी ऊपर उठावें और बीच वाले हम लोग सभी के पर ध्यान हो उनका। लेकिन एक कविता है कि राजनीति में सब चलता है, सुनकर हमें बहुत खलता है, निष्ठा की है शपथ ले रहे और देश द्रोह उर में पलता है, आश्वासन नित नए नए हैं पर काम टलते रहता है। तो राजनीति जो है तो बहुत अच्छी कविता आपने लिखी, आपने खुद से लिखी ये कविता, बहुत सुंदर, हम कहीं नहीं सुने। तो कहने का मतलब हुआ कि राजनीति जो है वह विषमता से युक्त नहीं हो, समरसता लावे। इस बार विधानसभा चुनाव में भाई ध्यान से, इसीलिए हम बड़ों के बीच में आए थे कि हम पूछ ले कि समरसता वाला जो अभी मिला है आप लोगों को पकड़ के रखिएगा, नहीं तो चुक गए आप। इस बार का विधानसभा तो लोकसभा जैसा ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये तो मधुबाला ने गेस कर लिया है और मधुबाला के साथ साथ आप भी तो गेस कर लिए है ना। देखना ये है कि कौन है जो अपना पूरा दमखम लगा के दौड़ में आगे निकल जाए, तो उसके लिए तो देखना ही पड़ेगा ना मधुबाला। उलाला दांग दगड़ 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 दांग दगड़